चीन को किया भारत ने एक बार फिर सौ खाने चित। इस नए रिपोर्ट में भारत की इस रणनीति का हुआ खुलासा। भारत ने कई शक्तिशाली देशों को दिया करारा जवाब। भारत ने लगाए इन देशों पर प्रतिबंध। इस लिस्ट में चीन सबसे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके सामने वो खबर लेके आए हैं जिसका हम सभी को सालों से इंतजार था। दोस्तों, भारत ने चीन और चीनी नागरिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करी है जिसे सुन आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, खबरों की माने तो कार्रवाई काफ़ी कठोर की गई है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि गलवान घाटी के हिंसा के बाद सबको भारत से ये उम्मीद थी कि चीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए। खैर, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात से सब वाकिफ थे कि भारत चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन तो लेगा ही। लेकिन दोस्तों, यहाँ चौंकाने वाली बात कुछ और ही हो गई है। भारत ने चीन के साथ साथ कई और देशों पर ये कार्रवाई कर दी है। इन देशों की लिस्ट में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब का नाम भी शामिल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस कार्रवाई में चीन के अलावा इन बड़े बड़े देशों का नाम भी शामिल है। दोस्तों, भारत ने चीन पर कार्रवाई की ये तो समझ आता है, लेकिन इन देशों पर कार्रवाई करने का क्या कारण है, ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि भारत 150 से भी ज़्यादा देशों के ई वीज़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करता है और इसका फ़ायदा 150 से भी ज़्यादा देशों के नागरिकों को मिलता है। दोस्तों, वो भारत में आते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं और तमाम तरह के पेपर वर्क से दूर रहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये उनके लिए बहुत आरामदायक जरिया होता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आपके पास ई वीज़ा नहीं है तो आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कई तरह के पेपर वर्क सुलझाने पड़ सकते हैं। कुल मिला के ई वीज़ा बहुत अधिक आराम प्रदान करता है। दोस्तों, ये तो हुई नागरिकों की बात। इसके अलावे इन नागरिकों के जो देशों के सरकारें हैं उन्हें भी फायदा मिलता है। अब उन्हें फायदा क्या मिलता है, तो दोस्तों, इन देशों की अपनी पासपोर्ट पावर रैंकिंग होती है जो ई वीज़ा के कारण बढ़ती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है भला। दोस्तों, ये आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं क्योंकि इसे हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड पासपोर्ट पावर रैंकिंग होती है, इसे तय करने का एक पैमाना होता है। वो पैमाना कुछ ये होता है कि किस देश के पासपोर्ट को कितने देशों में आसानी से एंट्री मिलती है। जैसे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाला देश है, ये कई देशों को आराम से एंट्री दे देता है। इससे उन देशों की पासपोर्ट रैंकिंग अच्छी हो जाती है जिनको भारत में आसानी से एंट्री मिल जाती है। दोस्तों, इससे एक चीज़ और होती है जो आपको हम बता देना चाहते हैं, वो ये कि पासपोर्ट रैंकिंग में जिस देश का नाम जितना नीचे होता है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही नीचे गिरते जाती है, और जो देश इस रैंकिंग में जितना ऊपर होता है दुनिया में उस देश के सॉफ्ट पावर को उतनी ही मान्यता मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की पिछले साल की रैंकिंग जिम्बाब्वे से भी नीचे चली गई थी, और इसका कारण तो आप जानते ही हैं। ये हुआ था कोरोना महामारी की वजह से, लोग ट्रैवल करना बंद कर चुके थे। ऐसे में रैंकिंग बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था। दोस्तों, इसके अलावे अगर हम भारत के पिछले 10-15 सालों की रैंकिंग की बात करें तो भारत टॉप 50 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया था, लेकिन अब इसे सुधारने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठा लिया है। और ये मुमकिन कैसे होगा, आइए आपको हम बताते हैं। दोस्तों, ऐसे देश जो अपने देश में भारतीयों को आसानी से एंट्री नहीं देते, हम उन्हें भी अब भारत में आसानी से आने की अनुमति नहीं देंगे, और इसकी शुरुआत उन्हें ई वीज़ा प्रोग्राम से हटाकर किया जा चुका है। इस प्रोग्राम से ऐसे देशों को हटाने की शुरुआत हो चुकी है। एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं यहाँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत यहाँ कोई पक्षपात नहीं कर रहा है। बिना पक्षपात किए भारत, चाहे वो भारत का मित्र देश हो या शत्रु देश, उसे अपनी ई वीज़ा प्रोग्राम के तहत निकाल रहा है। भारत ने ब्रिटेन, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, जो कि भारत के मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगी कि भारत ने इन्हें भी ई वीज़ा के तहत अलग कर दिया है। भारत का इसमें एक ही लक्ष्य है कि जैसा बर्ताव आप हमारे पासपोर्ट के साथ करेंगे, आपके साथ भी हम वैसा ही बर्ताव करेंगे, और ये बिल्कुल सही कदम उठाया है भारत ने। हम उन देशों का साथ क्यों दें जो हमारा साथ नहीं देना चाह रहे हैं। अगर वो हमारी पासपोर्ट रैंकिंग गिरा रहे हैं तो हम भी उनकी रैंकिंग अवश्य गिराएंगे।
इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत ने ये कदम उठा के सही किया है या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें और अपना सुझाव जरूर दें, हम इसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, इसमें चीन का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। हम ये समझते हैं कि आप इसका कारण भली भांति जानते होंगे। एक तरफ चीन सीमा पर जंग के लिए आतुर हो रहा है, अपनी सेना बढ़ा रहा है, हमारे देश हमारे जवानों के खिलाफ चाले चल रहा है और हम उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें, ये चीन तो अपने सपने में ही सोचे, बस उतना ही उसके लिए अच्छा है। भारत को हमेशा से कम आंकने वाला चीन इस बार तो अचंभित ही रह गया होगा। जिनपिंग अपनी सूझबूझ की तूती पूरी दुनिया में टर्राता है, लेकिन इस बार भारत ने उसे अपने ई वीजा प्रोग्राम से ऐसा अलग कर दिया है कि चीन को सीधा बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, मानना पड़ेगा, भारत ने वक्त के साथ ऐसा खेल खेला है कि चित्त भी हमारी और पत्त भी हमारा। अब चीनी नागरिक आसानी से भारत में घुस नहीं पाएंगे और चीन ही क्यों, वो तमाम देश जिनके नाम हमने लिए हैं उनकी एंट्री भी अब भारत में आराम से नहीं होने वाली है। अब उनके वो सुनहरे दिन गए जब वो भारत के ई वीज़ा के सहारे आसानी से आ जाया करते थे और अपने देश की पासपोर्ट रैंकिंग को बढ़ा दिया करते थे। भारत का एकमात्र प्लान है, तुम हमारे साथ जैसा व्यवहार करोगे हम भी वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी करेंगे, न कम न ज़्यादा। दोस्तों, भारत ने ये कदम उस वक्त लिया है जब चीन सीमा क्षेत्रों में इलीगली घुस कर भारतीयों को अपने चुंगल में फंसा रहा है। चीन की बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियां बहुत कुछ बयां करती हैं और ऐसे समय में भारत सरकार द्वारा उठाया ये कदम काबिले तारीफ है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये लगता है कि भारत ने जो भी किया वो बिल्कुल ही सही किया, या आप किसी और रणनीति को और ठोस मानते हैं? आप इस बारे में जो भी व्यक्त करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।